वृद्धि करने वाले हों। जनरली हम क्या करते हैं, शीशम लगा दिए, सागौन लगा दिए कि भैया हमको इससे ज़्यादा मुनाफा होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि ट्री हैविंग अ लॉन्गर गेस्टेशन पीरियड, उसका जो जीवन चक्र होता है बड़ा लंबा होता है। तो आप पेड़ लगा के 25 साल इंतजार करना है। अब आप बताइए पेड़ कितने साल के होंगे जो लगे, 2 साल 3 महीने के पेड़, 2 साल 3 महीने की ग्रोथ है ये चारों पेड़ों की जो आप देख रहे हैं। तो ये पेड़ का क्या है कि 5 साल में आपको इनकम दे देगा। और उद्योगों में भारी डिमांड है, जो वो पेड़ लगाए वो जो सामने आप देख रहे हैं उस तरफ, उस पेड़ का नाम है मीलिया डूजिया। आजकल बहुत नाम चल रहा है इसका, साउथ से ये ट्री आया और आजकल हर जगह लग रहा है। इसमें जो मेन इसका फ़ायदा होता है कि इसकी जो ट्रंक है एकदम सीधी जाती है, आप देख रहे होंगे। और अभी 2 साल 3 महीने का पेड़ है, देखिए ग्रोथ देखिए आप, उसी से आप समझ जाएंगे। तो मीलिया डूजिया है, इसको हमने 3 अलग अलग स्पेसिंग में लगाया। कैसी स्पेसिंग, एक तो 3 मीटर की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा क्लोज कर दिया, फिर 4 मीटर की स्पेसिंग और 5 मीटर की स्पेसिंग थोड़ा वो करके, और बीच में फिर हम फसल लगाए। अब बुंदेलखंड में मुख्य रूप से जो फसल लिया हमने वो पल्सेस ली है, दालें ली है। तो जैसे अभी हमारे यहाँ मसूर लगा था, चना लगा था और एक लेथाइरस क्रॉप होती है वो लगी थी, जिसे हम ग्रास भी बोलते हैं, मटर की तरह होती है, बटरा वो लगाया हमने। तीन मेन फसलें ली। उसका लगाने का मेन कारण ये था कि वो फसलें कम पानी की ज़रूरत होती है और दूसरी वो मिट्टी को अच्छा बनाती। अभी क्या है, मिट्टी उतनी अच्छी नहीं है, तो पैदावार जिससे ज़्यादा हो इसलिए हमने उस फसलों को